नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं जिंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। जिंदगी लाइव अभी भोपाल के अरेरा हिल्स पर, और अरेरा हिल्स में एक बहुत ही खूबसूरत बिरला टेंपल, बिरला मंदिर, ऐसा कहा जाता है भोपाल आने वाले देशी विदेशी पर्यटक इस धार्मिक स्थान पर आना नहीं भूलते। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बहुत ही भव्य तरीके से परंपरागत शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। साज सज्जा, रंग और बाहरी आवरण हमारी हिंदू सनातन संस्कृति की आस्था को झलकाता है, और मंदिर के अहाते को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। मंदिर परिसर के जस्ट बगल में एक संग्रहालय है, जहां मंदिर से संबंधित और सनातन संस्कृति से संबंधित ढेर सारी जानकारियां दी जाती है। हमारे बीच संग्रहालय के मैनेजर सर मौजूद हैं। क्या नाम है सर? मैं मैनेजर नहीं, यहां पर कंसल्टेंट में बीके लोखंडे मेरा नाम है। ठीक है लोखंडे सर, नमस्कार। सर कुछ बताएं मंदिर के बारे में। ये मंदिर की अवधारणा 60 के दशक में बिरला संस्थान के प्रमुखों द्वारा रखी गई जी, और जैसे कि भारत में कई सारे मंदिर फेमस है जी बिरला के जी जी, तो उसी स्वरूप में, क्योंकि मध्य प्रदेश की हृदय स्थली भोपाल और भोपाल में भी अरेरा हिल्स के ऊपर में जी ये मंदिर को स्थान दिया गया जी, और इसका कंस्ट्रक्शन वर्क जी 60 के दशक में पूर्ण हुआ जी, और इसका शुभारम्भ हुआ। ये लक्ष्मी नारायण यानी विष्णु और लक्ष्मी जी के रूप में यहाँ पर मंदिर की स्थापना है, और चूँकि सारे देवी देवताओं का, चूँकि सनातन धर्म से रिलेटेड जिन भी प्रकार की भावनाओं का ओतप्रोत तो देखने को मिलता है जी जी। उसका प्रतीकात्मक चित्रांकन मंदिर के आंतरिक भाग में, मंडप वाले भाग में दिया हुआ है जी। इसी को समावेश रखते हुए, इसी को दृष्टिगत रखते हुए बिरला प्रमुख द्वारा ये अवधारणा भी ध्यान में आई उनके कि क्यों ना इससे जुड़ी हुई कुछ संस्कृति के मूल अवशेष जो भारतीय जनमानस में व्यापक रूप से फैला हुआ है, उसको मूर्त रूप क्यों ना दिया जाए। तो उस स्वरूप में जहां हम आज गुप्त काल से लेकर के उत्तरोत्तर गुप्त काल, उत्तर गुप्तकालीन और पूर्व गुप्तकालीन अवधारणाएं देखते हैं, उनका मूल स्वरूप प्रतीकात्मक में क्यों ना हम एक स्ट्रक्चर ऐसा तैयार करें जहां पर लोग मूर्त रूप से उन प्रतिमाओं को देख सके कि यह अवधारणा हम आज से 150 सालों से ही नहीं, यह संस्कृति जो है सनातन धर्म की वैदिक काल से चली आ रही है। वैदिक काल हम उस और विधा की ओर देखते हैं जो लक्ष्मी नारायण मंदिर का नाम है। लक्ष्मी नारायण वह विष्णु के उन रूपों में शामिल है, तो उनका प्रतीकात्मक जो पालनकर्ता के, सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में है, हम उनको प्रमुखतया वेदों में जो भी द्वादश आदित्यों का स्वरूप और उनके पृथक पृथक विधाओं के जो कार्यों के लिए अलग अलग, जहाँ कहाँ केशव, कहाँ माधव, कहाँ गोवर्धनधारी, कहाँ मुरारी होना चाहिए, तो उन्हीं का प्रतीकात्मक एक स्वरूप लक्ष्मी नारायण के रूप में है, और उसकी अवधारणा को लेकर के यह मंदिर है, और उन्हीं के अन्य विचारों में, अन्य चाहे वह शैव धर्म से हो, ब्राह्मण धर्म से हो, जैन धर्म से हो, सभी चीज़ों का प्रमुखतया इस म्यूजियम में, संग्रहालय में स्थान दिया हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। ईसा पूर्व की शताब्दियों से सतत रूप से आप इसको अवलोकन कर जी, सकते हैं। जी जी, बहुत ही, क्या नाम बताया था सर आप अपना? बीके लोखंडे को जिंदगी लाइव पर अभी आप सुन रहे थे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से भारत की पुरातन संस्कृति और भारत का जो अपना एक विशेष इतिहास रहा है, उसे बिरला मंदिर भोपाल परिसर के अंतर्गत लोखंडेश्वर बताते हुए जिंदगी लाइव के लिए बिरला मंदिर अरेरा हिल से मैं सुधीर मिश्रा।